सो हाय गाइस एंड वेरी गुड इवनिंग आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब मुझे खुद याद नहीं कि कितने दिन हो गए मुझे व्लॉग बनाए हुए। मतलब आप सबके मैसेजेस आते रहते हैं तो मैं देखता रहता हूँ कि हाँ व्लॉग्स नहीं आ रहे, लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें यार। मतलब अब बहुत सारे रीजंस हैं, वो बाद में किसी दिन लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्यों व्लॉग नहीं आ रहे, क्या रीजंस हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि आज है 20 अप्रैल 2023 और अभी बच रहे हैं रात के 8:15। गाड़ी में सामान लोड कर लिया, मैं निकल रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिप पे। अभी गाड़ी में फिलहाल कोई नहीं है, तीन लोग और हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तीनों लोग नए हैं, आपसे मिलवाएंगे एक एक करके एंड आपको भी लेके चलेंगे एक अच्छी सी जर्नी पे। सो लेट्स गो, व्लॉग की शुरुआत करते हैं एंड धीरे धीरे आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सो लेट्स गो, जर्नी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। सो अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 8:28 एंड जर्नी स्टार्ट कर दी है हाईवे पे अभी, एंड मतलब मथुरा में ही हूँ अभी। सो अभी तो तीनों लोगों को पिक करना है एंड अभी ऑफिस से जस्ट 7 बजे मैं घर लौटा था, चेंज वेंज किया है, बस थोड़ी बहुत पैकिंग की है एंड जर्नी स्टार्ट कर दिया। एंड ये ट्रिप जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडम ट्रिप है हमारी, काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही है लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से डिले हो रहा था, लेकिन आज फाइनली हम निकल रहे हैं। एंड ये यहाँ पे ऑफिस है अपना, रॉयल एनफील्ड का मथुरा वाला शोरूम। वेलकम सर। अरे सर वेलकम सर। सो मिलिए कोमल सर से, कोमल सर हमारे यहाँ सेल्स मैनेजर हैं। सो यही है पहले व्यक्ति, ठीक है भाई, ये पूछते हैं। बाकी लोग बात चल रही है? हाँ सर। हाउस दी जोश? ग्रेट सर, बस रास्ते में ही सर से मिल गया हूँ, सर के पास आ गया हूँ, बस सर ने भी पिकअप किया, आपके पास ही पहुँच रहे हैं, आपके पास ही पहुँच रहे हैं। अरे अभी 9 बजे कहाँ है, 8:30 बजे अभी। एक्साइटमेंट इतना है कि 9 बजे का टाइम कौन, मुझे पता है सुबह से टाइम ही देख रहे हैं आज। ऑफिस में भी बस यही रहा है कि कितनी देर में दिन कैसे कटे, कैसे निकलेगा बिल्कुल। ठीक है अपने भैया, आप बस पहुँच रहे हो भाई, पानी गाड़ी के लिए लाए हो, अपने लिए लाए हो? सर पहले गाड़ी को पिलाएंगे तभी तो हम पिएंगे। एक आदमी और गायब है अभी, वो कहाँ है? एक बंदा आने वाला है। अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाओ। आयो सर, सबसे लेट, सबसे जल्दी निकले थे ऑफिस से, सबसे लेट है जी। सो अपना भाई अपने टाटा कैपिटल में है सर, और मनोज भाई अपने रॉयल एनफील्ड में ही है, तो तीन लोग हम रॉयल में से तो सब साथ में ही बैठते हैं, साथ में ही ट्रिप प्लान कर ली है और बहुत दिन से डिले हो रही थी, फाइनली आज निकल रहे हैं। फाइनली आज बिल्कुल। हाउस इज जो सर? ओके। आई सर। आज एक्साइटमेंट में दिन नहीं कटा, अब देखते हैं आगे का माहौल कैसा बनता है। सो चले सर शुरू करें। ओके सर। ओके चलो, बाके बिहारी लाल की जय, बोल श्री राधे। अरे इधर ही देख दम को है, अरे सब देख लेंगे अब तो। हाँ कोमल भाई, कैसी व्यवस्था है? मतलब ये अकेले अकेले बीएल चल रही है, मतलब दिखा रहे हैं। स्टिंग है, इधर देखी जाए। फोन का मेरे, हेलो वापस कर रहे हैं। सभी टाइम हो रहा है 12:15, मतलब 12:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, डेट चेंज हो गई सर। और अभी खाने का टाइम हो गया, खाना घर से पैक करा के लाए हैं, बिकॉज सफर पर निकले हैं तो घर का खाना मतलब पूरी सब्जी तभी मजा आता है। सभी हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अनूप शहर क्रॉस किया। अभी हमने बताया भी नहीं व्लॉग में हम जा कहाँ रहे हैं, हम नैनीताल जा रहे हैं, कैंची धाम दर्शन करने और कैंपिंग वगैरह करने, तो वही प्लान है। सो बारिश पड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है और रात के 12:30 बजे डिनर हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो अपना सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं और खाना खाते हैं अपना भाई। हाँ जी, लेकिन शुरू करने के लिए, लेकिन कहीं भी ट्रिप पे जाओ इससे बेस्ट खाना कहीं नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। टाइमिंग भी रात के 12:30 बजे, इससे बढ़िया खाना नहीं मिल सकता कहीं, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। आओ सर। पाँच 38 पहाड़ों का सफर शुरू होते हुए 4 बजे पहुंच गए, थोड़ी देर वेट कर रहे थे हम। अभिनव भाई तो सो लिए अच्छी तरह है, आराम से रात भर सोए हैं, रात भर गाड़ी भी चलाई है, कोई नहीं जरूरी है, सोने नहीं लिया। कोमल भाई को जोड़ रहे हैं, बहुत देर से मिल नहीं रहा। क्या करें सर, सुबह क्या मिल गया? अरे सर पानी चल रहा था वहाँ पे, कितना गजब का, कोमल सर के लिए ले लेते वहाँ से। Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get
ये मस्त मस्त अभी टाइम हो रहा है कितना 6:10, 5 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू की है और वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं। मौसम हो रहा बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा बारिश वारिश होगी, ऐसी ठंडी हवा चल रही है मस्त एकदम। भाई कह रहे हैं गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है, अब क्या कह रहे हो, विचार बदले कि नहीं बदले? नहीं बदले सर, विचार बदल जाएंगे। बोल सर क्या कह रहे हो? सर तबीयत बदल जाएगी थोड़ी देर में। सर बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो यार मतलब बहुत शानदार और तगड़ी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा शीतल हवा है। चलो अब रुका नहीं जा रहा, गाड़ी में बैठेंगे। Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. सभी टाइम हो गया कितना 8:52, 9 बजे चेक इन टाइम से पहले पहुंच गए कैंप में। ये स्टिंग है यहाँ की, नेचुरल स्टिंग। अरे ले लो मनोज भाई, बुरांस का जूस ले लो, यही है वो गुलाब। अच्छा ये जो, हाँ। जो फूल देख रहे थे रास्ते में लाल वाले, ये उसी का जूस है। चीयर्स चीयर्स सर। वो कह रहे गरम पानी से नहाऊंगा मैं इनसे कह रहा हूँ कि गरम पानी से नहाओगे? अपना भाई बोल रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ नहाओगे? या सर नहाएंगे तो सही, बिगर नहाए नहीं रह पाएंगे सर। नींद तभी पड़ेगा सर, बिल्कुल नहाना तो पड़ेगा। ठंडे पानी की व्यवस्था होगी तो तीन है, और गरम मिल जाएगा तो एक आदमी है। एक ही आदमी है, गरम मिल जाएगा तो तुम्हारे बांट मैं नहा लूंगा। तो एक अकेला ना, अकेला काफी काफी। फिर तो मैं वहां तालाब में नहाऊंगा नीचे उतर के। आ जाओ मैं रूम दिखा दूं जब तक, पहले रूम क्या टेंट है लग्जरी। सो ये अपना टेंट, पहले भी मैं 2 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, एक बार फैजल भाई और उनके साथ आया था, एक बार भाइयों के साथ। सो यहाँ टेंट के बाहर भी 4 चेयर पड़ी हुई हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। और ये अपना 4-bed टेंट, मतलब ये किसी भी एक बड़े रूम से कम नहीं है। यहाँ पे 2 double beds पड़े हुए हैं, ब्लैंकेट वगैरह हैं, यहाँ पे एक टेबल है, 2 मूड़े रखे हुए हैं बैठने के लिए, ग्लास वगैरह है, यहाँ पे पानी का कैंपर है, एक सेटिंग यहाँ पे भी है। मतलब आप लैपटॉप वगैरह से अगर अपना एडिटिंग वगैरह कुछ काम करना चाहते हैं ऑफिस का, तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक हैंगर दिया हुआ है कपड़े वगैरह टांगने के लिए, और ये है वॉशरूम एरिया। सो वॉशरूम भी काफ़ी मतलब बड़ा है, स्पेशियस है एंड नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे है मिरर, और यहाँ पे है हम मतलब पूरी रात के जगे हुए, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है कपड़े वगैरह रखने के लिए, अपना बैग वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। तो ऐसा है कुछ अपना टेंट, मतलब मज़ा आने वाला है। ऊपर लाइट वगैरह सेटअप है, और असली मज़ा मतलब पहले तो विंडो से देखो यार, विंडो में से कुछ ऐसे नज़ारे हैं बाहर के, और बाहर निकलते ही तो अलग ही जन्नत है यार। ये देखो क्या बात है।
सो आते ही सबसे पहले पानी मतलब जूस देख रहे हो होटल में साले पानी की भी नहीं पूछते हैं, आप जाओ और यहाँ आते ही वेलकम ड्रिंक, आते ही कॉफी गर्मा गर्म बिस्किट वगैरह, सर्विस बहुत बढ़िया, पानी वानी अपना रख गए हैं बढ़िया कैंपर में, आराम से बैठो। और सारा खेल इन वादियों का है, होटल में कहाँ मजा आएंगे, कहाँ मिलती देखने को नेचर। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone in that. So be. टाइम हो गया है अब 3:15 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और अभी जस्ट नहा धो के मैं रेडी हुआ हूँ। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग ऐसे सोए हैं, एक्चुअली रात भर जगे हैं, ड्राइव किया था तो एक पावर नैप चाहिए था जिससे कि थकान मतलब थोड़ी सी कम हो जाए, तो थोड़ी देर सो गए थे लेकिन उसी में 2-3 घंटे कब निकल के पता भी चला, इतनी अच्छी नींद आई। सो अभी भैया आए, उन्होंने कहा लंच रेडी हो गया सर, आप लंच कर लीजिए। तो बस अभी नहा धो के सब लोग रेडी हो रहे हैं, उसके बाद लंच करेंगे और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कराऊंगा। मतलब हालांकि मैं 3 बार यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन जब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आते हैं, नया देखने को मिलता है, नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो वो फिर से आपको दिखाएंगे, अलग मतलब नज़ारे देखने को मिलते हैं हर बार कुछ ना कुछ। सो वो है, आपको एक्सप्लोर कराते प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर शाम को प्लान है कि सनसेट देखेंगे प्यारा सा, एंड आपको भी दिखाएंगे, ट्रैक करेंगे एक छोटा सा, एंड मज़ा आता है तब भी इन वादियों में आते हैं, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। सो बस अभी वेट कर रहे हैं सब लोग रेडी हो जाएं, तो पहले लंच करते हैं। सो अभी लंच स्टार्ट हो गया और लंच में है रोटी, राजमा, ये आलू और शिमला मिर्च, रायता, चावल और सलाद। बढ़िया सिंपल खाना है घर जैसा, और इम्पोर्टेंट ये है कि सामने के नज़ारे, मतलब अभिनव भाई नहीं बढ़िया अभिनव भाई मतलब स्लीवलेस में आ गए किसी नज़ारे से कम नहीं है, किसी नज़ारे से कम नहीं है, किसी नज़ारे से कम नहीं है। तो अभी खाना खा के ट्रैक करते हुए थोड़ा कैम से ऐसे घूमते घूमते ऊपर आ गए, और यहाँ से ले रहा टॉप व्यू, और सामने क्या बड़े बड़े पहाड़, नीला आसमान, मतलब कतई जहर है। और दो लौंडे उधर खड़े हैं पोज करते हुए, हैं दो पहाड़ इधर भी हैं दो पहाड़ इधर लेकिन पूरा 360 व्यू मिल रहा है यहाँ से टॉप का, और इधर हो रहे हैं बादल, बारिश की पूरी आशंका है, मतलब बारिश पड़ सकती है। या हाईवे तो ये आ गए अभी हम प्ले एरिया में, और यहाँ पे टीटी का मैच शुरू हो गया है, टीटी कम टेनिस चिड़िया वाला ले लो यहाँ पे तो यहाँ पे पूल भी है, टीटी है, कैरम वगैरह रखा हुआ है, और ये क्या पता नहीं, ये मैंने देखा तो बहुत है लेकिन कैसे खेलते हैं देखते हैं अभी। और यहाँ पे भी लूडो वगैरह खेल सकते हो बैठ के, और बाहर के नज़ारे तो है ही शानदार, तो थोड़ी देर यहाँ पे खाना पचाते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 3:45 मतलब 3:48 हो गए, और मौसम हो गया है खराब, क्या हो गया टिका दिया मतलब फेंक दिया क्या उधर पीछे दोबारा सीधे पार्किंग में जाओगे यहाँ से बारिश आ गई गुरु बारिश और जिस चीज का डर था वही हो गया, बारिश हो गई, वैसे तो मजा आ रहा है लेकिन सनसेट नहीं देख पाएंगे, बारिश हो गई है, बारिश का प्रेडिक्शन दिखा रहा था एक्चुअली, आज बारिश हो ही गई, चलो टेंट में बैठेंगे, लेकिन ये यहाँ बैठ के बारिश का भी अलग आनंद आएगा। ये रही अपनी झोपड़ी, ये बारिश, अब तो पकोड़े मंगवाए जाए, पकोड़े मंगवाए जाए, पकोड़े
अभी 5 बज रहे हैं और पिछले 1.25 घंटे से मतलब लगातार बारिश हो रही है, और अभी तो इतनी तगड़ी वाली तेज बारिश हो रही है। बाकी तीनों लोग ऊपर गए थे फोटोग्राफी करने, वहीं फंस गए हैं। मैं यहाँ कैंप में अकेला हूँ, बारिश हो गई है बहुत तेज, मतलब इतनी तेज की तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी तगड़ी बारिश मिलेगी। मतलब कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत पानी है। और ये देखो यहाँ भी हमारे कैंप में भी यहाँ नीचे पानी आ रहा है। मतलब मौसम बहुत प्यारा हो गया है, ठंड हो गई है अच्छी वाली, लेकिन ये बारिश बंद हो तो थोड़ा ट्रैक व्रैक पे हम कहीं जाते, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो बस यही है कि एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कुछ ज़्यादा। पर पड़ रही है बारिश और यहाँ पे गरम गरम चाय, सर्दी हो गई है। अब भाई ने स्लीवलेस से फुल स्लीव पे आ गए, बहुत सर्दी है, ओले भी पड़ रहे हैं। बोला हम आए 43 डिग्री टेम्परेचर से, यहाँ सीधे 15 में आ गए। सो अभी बारिश हो गई है बंद और जा रहे हैं ट्रैक पे। अब आए हैं, थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। सनसेट तो दिखेगा नहीं बिकॉज सन ही नहीं है, तो सेट कैसे होगा। लेकिन ये कि बैठे बैठे क्या ही करें, थोड़ा सा घूम के आते हैं आसपास, एक आध जगह दिखा के लाते हैं भाइयों को, क्योंकि हम तो घूमे हुए हैं। ये क्या ले जा रहे हैं मनोज भाई? सर कोल्ड ड्रिंक है। ऐसे मौसम में कोल्ड ड्रिंक? हाँ सर। अरे कोमल सर, डर तो नहीं लग रहा है आपको? है सर अपना भाई आपको सर? अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और राहुल सर को तो कह रहा था तू, भैया मुझे खोज खोज के निकाली है ऐसी जगह मैंने। ऐसा लग रहा जगह चल रही हो। कोमल सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सो पहुंच गए अपनी फेमस 360 व्यू पॉइंट पे, सनसेट पॉइंट पे, और यहाँ से चारों तरफ मतलब वादियाँ ओपन वैली है एकदम। मतलब किधर देखो ये भी सोचने वाली चीज है, चारों तरफ नजारे हैं। आप क्या करोगे सर? बहुत जबरदस्त जगह सर, ऑसम है, ऑसम। ये सनसेट देखो, ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा सा अभी कैमरे में दिखाई दे रहा है, पूरी लाइन बन जाएगी यहाँ पे अच्छी सी। सो अभी सनसेट देख के वापस आ गए कैंप में, लाइट हो गई है, डिम माहौल बन गया है, और आते ही स्नैक्स सर्व हो गए, मतलब सेवा पूरी हो रही है जब से आए हैं, मतलब खाने पीने में कोई कमी नहीं है। खाने पीने में कोई कमी नहीं है। 2-4 किलो वजन बढ़वा के जाएंगे। सो यहाँ पे हरा भरा कबाब और ये फ्रेंच फ्राइज, चटनी वटनी बढ़िया। सो बैठते हैं, चाय वगैरह मंगाइए और शाम को इन्जॉय करते हैं। सो अभी खाना पीना हो गया है और मतलब 10:30 बज गए हैं और ठंड मतलब अल्टीमेट है, आई थिंक 9-10 डिग्री टेम्परेचर है। एंड आज का दिन बहुत अच्छे से इन्जॉय किया एंड बहुत लंबा व्लॉग बनाया, मतलब जो भी है सबको शूट किया, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कल का जो भी चीज़ है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। कल भी पूरा दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड मिलते हैं आपसे जल्दी कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though